नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिवनी जिले के लखनादोन तहसील के धूमा थाना अंतर्गत धनकखड़ी के गांव खमरिया में हुई घटना के संबंध में यादव समाज की तथा कथित लोगों ने ग्राम के ही लोगों पर अपराध पंजीबद्ध करा दिया है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में है। पुलिस ने भी मामला संज्ञान लेते हुए संस्कृत नोटिस जारी कर दिया है। इसी बात से खौफ ज्यादा होकर खमरिया गांव के लगभग 100 आदिवासियों का समूह सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के निवास पर ज्ञापन देने पहुंचा और मांग की कि वह घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञात रहे कि विगत दिनों धनकखड़ी गांव के कुछ आदिवासियों ने यादव परिवार के लोगों पर हमला कर उनके घरों को आग लगाने की घटना सामने आई थी, जिसमें आदिवासियों का कहना था कि ग्राम में ही पतिराम यादव द्वारा स्वयं के मकान में आग लगाकर हम आदिवासियों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हम न्याय की गुहार कर रहे हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक सिवनी एवं जिला कलेक्टर के नाम पत्र लिखा गया। सभी ग्रामवासियों ने सिवनी विधायक से अपील की कि उक्त मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। क्या न्याय उचित इनकी जांच कर लें, जांच में कर दोषी इनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि किसी व्यक्ति ने खुद का मकान को जला लिया और इन सबको अपराधी बनाने का प्रयास किया गया है। अगर उसमें देख लें आग किसने लगाई है खेत में या घर में, उससे निष्पक्षता सामने आ जाएगी। और वहाँ भय का वातावरण, आदिवासी भाई लोग हैं और वहाँ पर बड़े दिनों से बाहुबलों के बीच में इन गरीब लोगों की जमीनों में कब्जा कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है और लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण आज ये सब एक मतेन हो गए। अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये आदिवासी भाई भी मजबूर हो जाएंगे कहीं ना कहीं अपराध करने। लखनऊ से संवाददाता विकास जैन की रिपोर्ट।